तो फ्रेंड्स ये हमारा 1200 वाट एम्पलीफायर है, ये ख़राब हो गया था होली पर। सीरीज में लगाते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं, ठीक है। क्या क्या ख़राब हुआ है ये तो हमें नहीं पता है, ऑन नहीं हो रहा है ये, देख रहे हो आप, तार लगे हैं, लाइट आ रही है, मगर ये ऑन ऑफ नहीं पता चल रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑन ही नहीं हो रहा है बिल्कुल। फॉल्ट दिखाना चाहिए और लोड दिखाना चाहिए, कुछ भी दिखाना चाहिए, नहीं हो रहा है, देख रहे हो, सारी चीज़ सब कुछ ठीक है एकदम। और हम मीटर से चेक करते हैं इसकी पावर, अब पावर चेक कर लेते हैं इसकी, फिर देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। ये तार हटा दिए हमने ट्रांजिस्टर के मॉस्फेट के, तो ये दोनों तार हटा दिए, अब चेक करके देखते हैं हम, पता लगेगा। और फिर इसके ब्रिज के भी हटा देते हैं, ब्रिज के हटा के पता लग जाएगा कि फॉल्ट कहाँ पर है, ठीक है। पहले ब्रिज के हटा दिए, उसके हटा सब तार हटा देते हैं, फिर पता लगेगा कि फॉल्ट है कहाँ पर, ठीक है। अभी इसमें पावर ही नहीं जा रही है, तो पावर कहाँ से नहीं जा रही है देख ले पहले, पता लग जाएगा इसमें। ये हमने ब्रिज के भी हटा दिए, कई तरीके की प्रॉब्लमें आती हैं। हमने ये तार हटा दिए बिल्कुल, देख रहे हो आप, ये तार हटा दिए, अब सीरीज में लगाएंगे, चेक करेंगे इसे कि भाई आ रहा है करंट या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चेक कर रहे हैं अभी कि आया या नहीं, भाई अभी भी नहीं आया। अब इससे दिखाते हैं इसका, ये देखते हैं ये में इसमें करंट कहाँ कहाँ तक आ रहा है, ठीक है, और कहाँ से नहीं आ रहा है ये भी देखते हैं इसमें, तो पता लगेगा, ठीक है। अब चेक करते हैं इसे, तो भाई इसमें देख लेते हैं ऑन ऑफ स्विच से, और इधर जो रीसेट का बटन लगा है इस पर देखते हैं चेक करके कि भाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका पता लगेगा अभी। तो हमें लग रहा है ये ऑन ऑफ का स्विच भी ख़राब हो गया है, ये देखो एक साइड ख़राब हो गया है स्विच ऑन ऑफ का, देखो हो रहा है ऑन, ऑन हो गया, ठीक है। ये स्विच ख़राब हो गया था इसलिए, मतलब ये ऑन नहीं हो रहा था, अभी तार हटाने पर तो चल जाना चाहिए, इसलिए ये नहीं ऑन हो रहा था, ऑन ऑफ स्विच ख़राब हो गया है एक साइड, ये डबल में बना हुआ होता है, ठीक है। ये देखो पंखा चल रहा है, फ़ैन, और आपको दिखाते हैं, ये देखो ख़राब है, और ये तार हम डार्ट कर देते हैं, ठीक है, ऑन ऑफ का एक साइड से डार्ट कर देते हैं इसे, ठीक है, डार्ट कर दिया हमने, ये देख सकते हो आप। अब लगाते हैं सीरीज और फिर चेक करते हैं इसे, और आपको पता लग जाएगा और हमें भी पता लग जाएगा। ये देखो चालू हो गया, ठीक है, अब ये चालू हो गया। अब करेंगे क्या, हम ब्रिज के तार लगाएंगे, ये सब तार लगाएंगे, ठीक है, ये ब्रिज इसमें लगा है, इसके तार अभी हम लगाएंगे, ठीक है। ये छुटा दिए थे हमने, अब इसमें लगा देते हैं, अब लगा देते हैं तो फिर ऑन करेंगे तो पता लग जाएगा कि कहाँ से कमी है, ठीक है। ये ब्रिज भी ख़राब हो सकता है जहाँ तक है, क्योंकि इसने इसमें वो बटन ख़राब हो गया, लोड पड़ा होगा, और ये भी ख़राब हो गया, तो अब ये चेक करके देखते हैं। ये हमने तार लगा दिए, अब ऑन करते हैं इसे, पता लग जाएगा, ब्रिज ठीक होगा तो हमारा ऑन हो जाएगा, ब्रिज भी ख़राब होगा तो भाई नहीं होगा, सीरीज में लगा दिया है हमने। और ये चेक करते हैं, भाई देखो उधर वो जल रहा है बल्ब, भाई ये ब्रिज ख़राब है। अब ये ब्रिज भी हम चेक करते हैं और चेंज करते हैं, ठीक है, ये अभी चेंज करेंगे पहले, तो ये ख़राब हो गया है ब्रिज, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं इसे। ये देखो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो ये हम हटा देते हैं इसे और नया लगा देते हैं, ठीक है। इससे ये प्रॉब्लम आ जाती हैं, कट हो जाता है करंट, इससे काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती हैं, ऑन ही नहीं होगा आपका एम्पलीफायर, और ये हमारा ऑन हो रहा है, ठीक है। तो तार हटाते ही ऑन हो रहा है, अब ये लगा देंगे इसमें, अब ये लगा के अगर ऑन हो रहा है तो फिर हम अपना एम्पलीफायर में तार जोड़ेंगे और देखेंगे कहाँ कमी है, ठीक है। तो मैं रियल दिखा रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है, एम्पलीफायर खोल के रियल दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आप अपना एम्पलीफायर रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं कहाँ से क्या कमी हो सकती है। इसमें टेस्टिंग भी बताऊँगा मैं, अब इसे चेंज कर देते हैं, इसकी टेस्टिंग बताऊँगा, मोस्फेट की टेस्टिंग क्या होती है, बहुत ही सरल तरीका से। और ये देखो, ठीक है, ये हमने हटा दिया और ये नया लगा देते हैं, ठीक है, तो ये नया लगा देते हैं। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करो, और कैसा भी एम्पलीफायर हो कोई भी, थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है टेस्टिंग में, काफ़ी ढिया से प्रॉब्लम हो सकती है, जब एम्पलीफायर ख़राब होता है तो काफ़ी चीज़ डैमेज होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ड्राइवर बोर्ड भी ख़राब हो सकता है। अभी मैंने ड्राइवर बोर्ड का भी स्विच हटा दिया है, करंट हटा दिया, उसमें नहीं जाया करंट, और इसे हम लगा देते हैं, ठीक है, तो पता लगेगा ये लगाने के बाद में कहाँ से क्या कमी है। तो फिर इसे लगा देते हैं और देखते हैं, ठीक है, कहाँ से क्या कमी है। और कैसा भी एम्पलीफायर हो, पहले तो उसमें ये 5200 के तार हटाएं, और उसका अगर नहीं जा रहा है फॉल्ट और सीरीज फुल चल रहा है, तो आप ड्राइवर बोर्ड का जो सर्किट है वो उसे दे चेक करें, ठीक है, ड्राइवर बोर्ड का स्विच निकाल दें
पता लग जाएगा आपको। और काफ़ी मैंने वीडियो बना रखी हैं इस एम्पलीफायर की, पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ ख़राब हुआ है कई बार, और भी मेरे पास एम्पलीफायर है उनकी भी डाल चुका हूँ। तो आपको कैसी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरी वीडियो देखें जाकर, आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा कि सेटिंग क्या होनी चाहिए और टेस्टिंग क्या होनी चाहिए एम्पलीफायर की, मॉसफेट की, ट्रांजिस्टर की। और ड्राइवर बोर्ड का भी मैंने फॉल्ट निकाल के दिखाया है, और ड्राइवर बोर्ड का जितना भी है काम वो भी दिखाता हूँ मैं। और ज़्यादा आपके समझ में नहीं आ रहा है ड्राइवर बोर्ड का एम्पलीफायर का कोई सा, तो आप ड्राइवर बोर्ड चेंज कर दो, आपका झंझट ख़त्म हो जाएगा। आपका बार बार एम्पलीफायर ख़राब होता है तो आप ड्राइवर बोर्ड चेंज कर दो, कुछ नहीं होगा, ठीक है, एम्पलीफायर सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादातर बार बार ख़राब होने वाला जो प्रॉब्लम होता है वो हमारे ड्राइवर बोर्ड में ही होता है, जो कभी कोई मिस्त्री है जो पकड़ नहीं पाता उस कमी को और सही करके दे देता है। जब हम चलाते हैं तो 24 घंटे में एम्पलीफायर ख़राब हो जाता है, एक से दो काम बजाने पर एम्पलीफायर ख़राब हो जाता है। तो ये हमने लगा दिया है और आपको चेक करके दिखाते हैं, ठीक है। अब एम्पलीफायर ऑन करेंगे और ये हमने लगा तो दिया, चेक करते हैं कैसा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखते हैं ऑन करके, तो भाई ये तार तो लगे हैं सब, और देखते हैं ऑन हो गया हमारा एम्पलीफायर। देखो सीरीज थोड़ा ही जल रहा है सीरीज, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये 5219-47 के जो तार हमने हटा रखे हैं, जो रेड कलर का है वो ग्रीन कलर का है, ये लगा देते हैं, ठीक है। और ड्राइवर बोर्ड का भी स्विच लगा देते हैं, लग गया, और ये भी लगा देते हैं। उसके बाद टेस्टिंग करते हैं, चेक करते हैं, पता लगेगा अब क्या कमी है क्या नहीं चलाएंगे इसे। तो ये लगा देते हैं, और ये दोनों तार अगर छुटाओगे तो आपको फॉल्ट मिल जाएगा, और नहीं अगर सीरीज का बल्ब बुझ रहा है और जल रहा है ये हटाने पर, तो ड्राइवर बोर्ड में फॉल्ट हो सकता है आपके, ठीक है। और सारे तार हटा के आप देख लोगे ऐसे करके, तो आपका कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है सभी ख़त्म हो जाएगा। और सो सही में दिखा रहा हूँ अपने में, ऐसे चेक करके ज़रूर देखें, ठीक है। तो एम्पलीफायर ऑन हो रहा है भाई, और इसकी ये LED जल रही है, क्यों जल रही है ये भी दिखाते हैं आपको। ये देखो LED जल रही है, आउटपुट LED। तो इसे बंद करते हैं और देखते हैं फिर से, फिर भी जल रही है, ठीक है। तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम अभी भी रह गई है, और ये सीरीज जो है वो जल रहा है हमारा, कम से कम आधा तो जल ही रहा है। तो मतलब ये इसमें एम्पलीफायर का जो फैन है वो धीरे धीरे चल रहा है, तो हो सकता है इनमें फॉल्ट हो सकता है, ट्रांजिस्टर MOSFET कोई भी ख़राब हो सकता है इसमें। तो ये बंद करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं इसमें कहाँ पे फॉल्ट है, कौन सा ट्रांजिस्टर MOSFET जो है वो ख़राब है, ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं MOSFET भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसे मीटर को सेट कर लेना है बीप साउंड पर, और इसे दोनों सिरों में से जो दो सिरे हैं इसके मीटर के कहाँ लगाना है आपको, एक यहाँ लगा लेना है, ठीक है। अब यहाँ लगा के आपको टेस्टिंग करनी है, ठीक है, पूरे की। अब यहाँ से टेस्टिंग करते हैं, ये भी बोलना चाहिए, ठीक है, बीप साउंड देना चाहिए इस रेजिस्टेंस पर। इस पर आ रहा है 22022, और इस पर आ रहा है 001, और ये ख़राब है भाई, ठीक है, ये पीछे निकल गया, ये ख़राब है, अभी दिखाऊंगा मैं। और इस पर 21-22 आ रहा है रीडिंग, और 21-22 जितनी भी आएगी छोटी रेजिस्टेंस पर 21-22 आएगा तो समझ लेना सही है, ठीक है। और जो 001 आ रहा है इस पर इतना ही रीडिंग आनी चाहिए, और 00 आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बड़ी रेजिस्टेंस बोलनी चाहिए, बड़ी रेजिस्टेंस पर, बड़ी रेजिस्टेंस पर अगर नहीं बोलता है तो बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो ख़राब है, ठीक है, उससे भी प्रॉब्लम आती हैं। और हाफ बॉडी रेजिस्टेंस जो छोटी वाली, इस पर तो आपको चेक करना ज़रूरी है, बेस होता है ये, ठीक है। तो और ये एमीटर होता है बड़ी रेजिस्टेंस वाला, तो ये ख़राब है, देखो मैंने बताया था यही ख़राब है, ठीक है, जो इस पर चेक कर रहे हैं तो ये दो दिखा रहा है, ठीक है, 002। अब इधर चेक कर लेते हैं दूसरी साइड भी, ठीक है, देखते हैं चेक करके। तो इसमें भाई ये सही है, हाफ वार्ड करना है, जो छोटी रेजिस्टेंस उसी पर चेक कर रहा हूँ मैं, उस पर रीडिंग आनी चाहिए, सब पे बराबर आनी चाहिए, जो ख़राब होगा उसकी रीडिंग कम होगी, अगर जो छोटी रेजिस्टेंस पर चेक कर रहे हो, ठीक है, बड़ी पर सेम आना चाहिए रीडिंग, सबकी सेम होनी चाहिए बड़ी पर, और जिस पर कम होगी सबसे ज़्यादा छोटी रेजिस्टेंस वाली पर, तो भाई वही ख़राब है, ठीक है, देख लो आप। ये जो छोटी रेजिस्टेंस है उस पर सब पर सेम आनी चाहिए रीडिंग, ठीक है, और जिस पर कम होगी वही ख़राब होगा, ऐसे समझ लो,
अब इस पे बड़ी रेजिस्टेंस पे 001 आ रहा है सभी पर, तो इस पे इतना ही आना चाहिए, ऐसा ना हो बिल्कुल ना आए, आना जरूर चाहिए इस पर, ठीक है। ऐसे ही चेक करना है, हर मिस्त्री का अलग होता है टेस्टिंग करने का। और ये ख़राब है देखो, है रेजिस्टेंस हीट हो गई है, रेजिस्टेंस सही है और ये ख़राब है, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर ख़राब है इसका और ये रेजिस्टेंस काली पड़ गई है। तो इसे हम क्या करेंगे, तार हटा देते हैं इसके, ठीक है। आप देख सकते हो इसकी रीडिंग कम है, सब पर आपने देखा होगा और फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो, और इसे हटा देते हैं इसकी दोनों रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये एम्पलीफायर हम चालू करेंगे अभी, ये देख सकते हो उसकी देखो रीडिंग, ठीक है, और इसकी देखो रीडिंग कितनी आ रही है, इसकी कम आ रही है, उसकी 22 आ रही है, 22 इस लाइन में सबके आ रही थी, इसी की कम है तो यही ख़राब है, उस लाइन सब ठीक है, ठीक है। तो इसके हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है, इसे हटा देंगे, फिर हम चेक करेंगे इसका ओवरलोड दिखाता, अगर ये रेजिस्टेंस मतलब ये ख़राब था जब, तो ये ओवरलोड दिखाना चाहिए, ओवरलोड के क्यों नहीं दिखा रहा है, इसका वो बल्ब जो है वो ख़राब हो चुका है ओवरलोड का, तो इसलिए ओवरलोड दिखा नहीं रहा है, ये ओवरलोड दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ख़राब हो गया है इसलिए नहीं जला ओवरलोड, अब इसे चालू करते हैं, ठीक है, ये एम्पलीफायर चालू हो गया, ठीक है। अब दिखाते हैं आपको, तार दिक्कत कर गए थे तो इसे दिखाते हैं, देखो अभी भी दिक्कत वही है, ठीक है। क्या है, ये लाइट जल रही है ना, आधी लाइट जल रही है आउटपुट की, ठीक है। अब दिखाते हैं सीरीज, सीरीज तो कम हो गया, सीरीज जो है वो कम हो गया, ठीक है, और ये अधूरी लाइट जल रही है, ठीक है। अब कहाँ से क्या प्रॉब्लम है देखते हैं, कहाँ से है क्या प्रॉब्लम, तार तो सब सही जुड़े हैं मगर ये तार लग रहा है इसे, इधर दो हैं और इधर एक है भाई, ये छूट गया था, ठीक है। अब इधर लगा देते हैं इसे, ये छूट गया था, देख नहीं पाए थे हम, इसीलिए ये LED जल रही है, ठीक है, LED इसी से ही गड़बड़ कर जाती है, ठीक है। ये जोड़ देते हैं और LED हमारी सही चलने लगेगी, साउंड पर ही चलेगी, ठीक है। ये छूट गया था इसलिए LED हमारी अधूरी जल रही थी, ठीक है, इसे लगा देते हैं हम। तो प्रॉब्लम जो है कहीं से भी आ सकती है, ये ध्यान रखें, ठीक है। इसे हमने क्या किया, लगा दिया, अब ऑन करते हैं भाई, देखो बंद हो गई LED, LED जो है वो यहीं से दिक्कत कर रही थी, ये तार छूट गया था, हम तार लगा दिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। और डायरेक्ट लगाते हैं, अभी सीरीज में था, अब डायरेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो ऑन करते हैं, देखो ऑन हो गया, और लाइट कैसी जल रही है देखते हैं, और चला के दिखाएंगे अभी आपको हम, इसमें आउटपुट लगाएंगे, सॉन्ग चलाएंगे और चला के दिखाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें सॉन्ग प्ले करके दिखाएंगे हम, चला के देखेंगे कि कैसी मतलब साउंड आ रहा है, आवाज़ कैसी है हमारी। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के गांव पाखोरनी से रिजेली के राजोर डीजे मिक्सिंग डे के राजोर स्पीकर चेक। तो भाई ये आवाज़ फाड़ रहा है, आवाज़ साफ़ नहीं निकल रही है, तो कहाँ से प्रॉब्लम है चलो देखते हैं, आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है क्लियर। तो ड्राइवर बोर्ड में देखते हैं भाई कहाँ से फॉल्ट है, ड्राइवर बोर्ड से भी हो सकता है, और इसे देखते हैं आपको दिख रहा है कहाँ कमी है, और मुझे दिख गई, बताओ कहाँ पे है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ देख सकते हो फिल्टर ये फटा हुआ है, और इसी ये भी फिल्टर फटा हुआ है, तो भाई ये वॉइस हमारी क्लियर इसीलिए नहीं आ रही थी, ठीक है, दोनों फिल्टर फटे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हें चेंज करेंगे। अब ये हमारे पास हैं तो नहीं, मगर हमारे पास ड्राइवर बोर्ड है, उसी में इसका देख लेते हैं, 160 वोल्ट दिखा रहा है, तो देखते हैं। और ड्राइवर बोर्ड ये हमारे पास रखा है, ये तो 2500 के हैं, निकाले थे हमने, ये पुराना है ड्राइवर बोर्ड, इसमें ये दोनों मिल गए हमें, ठीक है, दोनों की दोनों है, और ये दोनों हम चेंज करके उसमें अभी डाल देंगे, ठीक है, और चलाएंगे दिखाएंगे कहाँ से कमी है। ये कमी है ना, ये देखो ऐसा है कि आवाज़ फाड़ने की प्रॉब्लम बहुत तरीके से आती है, बस आपको टेस्टिंग करके देखना है कि कहाँ से आवाज़ फाड़ता है। अगर इसके ये तो ड्राइवर बोर्ड में है फिल्टर फटे हुए, इसलिए आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। मिक्सर में अगर फ़िल्टर फट जाए तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, एम्पलीफायर में बड़े फ़िल्टर फट जाते हैं तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। ये हमने दोनों निकाल रहे हैं, एक निकाल लिया है, और ये दूसरा निकाल लेते हैं और इसमें दोनों डाल देते हैं, और देखते हैं कि इसमें अब क्या प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ड्राइवर बोर्ड में देखते हैं डाल के कैसा क्या प्रॉब्लम है, तो इसे डाल देते हैं, निकाल लेते हैं ये पुरानी प्लेट जो हमारे पास पड़ी थी,
उसमें से हमने ये निकाल लिया था। और ये देखो इसे ये ख़राब निकाल लिया हमने, अब ये दूसरे वाले डालेंगे। ठीक है, 100 वोल्ट 160 वोल्ट हैं दोनों कैपेसिटी में, तो चेक करते हैं अब इसे डाल करके। ठीक है, इसे डाल देते हैं और चेक करेंगे। ये आप देख रहे हो, ये तो ड्राइवर बोर्ड हो गया। और बहुत इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत एम्पलीफायर हैं, जिसमें ये बीक हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लमें आती हैं। अगर ड्राइव सही नहीं पहुंचता है तब भी आप जचराने की आवाज़ आने लगती है। ठीक है, तो जब तक पूरा संतुलन ठीक नहीं होगा पूरे एम्पलीफायर का, तब तक प्रॉब्लमें आती रहेंगी। जब पूरे एम्पलीफायर का हर चीज़ क्लियर होगा तो आपका वॉइस क्लियर आएगा, हर चीज़ मतलब सही चलेगा। ड्राइवर बोर्ड का फॉल्ट अगर निकालना नहीं आता आपको तो आप ड्राइवर बोर्ड चेंज कर दो। ये ड्राइवर बोर्ड 500 से 600 रुपये में मिल जाएगा मार्केट में। ठीक है, इसके लोग 1500 रुपये लेते हैं, मैंने एक बार डलवाया था 1500 रुपये लिए थे। ठीक है, जब नहीं जानता था तब, और अब तो कोई सा ड्राइवर बोर्ड हो 2 मिनट में फॉल्ट बाहर। ठीक है, और अगर नहीं निकलता है तो मैं भी मोड़ नहीं मारता, ज़्यादा बोर्ड जरा हुआ है तो मैं डायरेक्ट चेंज ही कर देता हूँ। उसमें क्या है कि काफ़ी प्रॉब्लम 80% प्रॉब्लम नहीं आएंगी कभी, जैसा आप नया लेके आते हो एम्पलीफायर वैसा ही चलेगा फिर। तो हमारा ये काम हो गया, और लगा देते हैं इसे और चेक करके दिखाते हैं आपको फिर से। ठीक है, प्ले करके सॉन्ग, और ये हमारा रेडी हो गया। ठीक है, अब ऑन करेंगे एम्पलीफायर और आपको प्ले करके सॉन्ग दिखाएंगे फिर से। बताना वॉइस कितनी क्लियर है कितनी नहीं पता लगेगा, मैं भी सुनूंगा और आपको दिखाऊंगा बताऊंगा। तो ये हमारे फ़िल्टर दोनों लग गए, देख सकते हो आप। ठीक है, ये फ़िल्टर दोनों फटे हुए थे तो इसलिए हमारी वॉइस जो है क्लियर नहीं आ रही, पटपट की आवाज़ आ रही थी परपराने की। ठीक है, तो सॉन्ग प्ले करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये दोनों हमने डाल दिए, देख सकते हो ये दोनों हमने निकाले थे, तो इनसे काफ़ी प्रॉब्लमें आती हैं। आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी कि जितनी मेरी वीडियो देखोगे आपको नॉलेज ही मिलेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर ये देख रहे हो थोड़ा सा फटा हुआ है, अगर इन एक सा लीक हो जाएगा, नीचे से एक टांग हिल जाएगी इसकी, तब भी यही प्रॉब्लम आएगी, आप ढूंढते रहोगे कहाँ है प्रॉब्लम। तो ये पहले देखा करो, अगर आवाज़ पड़पड़ा रही है, पटपट की आ रही है, या फिर चर चर की आ रही है, या फटी हुई आवाज़ आ रही है। ये ड्राइवर बोर्ड है, ये हमने देखो इसका निकाल के कामयाब कर लिया। ठीक है, और इसका ध्यान रखें आगे के लिए। ठीक है, अब चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं और ऑन करते हैं एम्पलीफायर। ठीक है, ऑन हो गया, पंखा चल रहा है इसका, और ये चालू करते हैं। तो हमारी इसकी आवाज़ जो है वो वॉइस क्लियर आ रही है बिल्कुल, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें यही प्रॉब्लम थी, तो आप देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम इसमें निकली। ठीक है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम सभी में निकली, ड्राइवर बोर्ड में भी निकली, और एक ट्रांजिस्टर भी ख़राब हुआ, उसके हमने ये तार हटा दिए। और ये देख रहे हो इसके नीचे 4 फिल्टर हैं, इसके फिल्टर लीक बीक हो जाए कहीं से तो आपको आवाज़ फटी हुई नज़र आएगी, और ड्राइवर बोर्ड का भी अगर हो जाएगा तो फटी हुई आवाज़ आएगी। इसका ये ट्रांजिस्टर ख़राब था, हमने हटा दिया। ठीक है, इसका करंट हटा दिया, इसका अब इसमें करंट नहीं जा रहा है और हमारा एम्पलीफायर चल रहा है। अब ये तब लगाएंगे जब हम लेके आएंगे, हमारे पास ये अभी नहीं था, ये दोनों का हमने हटा दिया। ठीक है, और ये देख सकते हो हमारा 1200 वाट एम्पलीफायर है, और ये हमारे उस्ताद हैं, और ये हमारा जो एम्पलीफायर रखा है 2500 वाट है। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है भाई, फॉल्ट की लाइट आ रही है। देखो, चालू करते हैं इसे, दोनों साइड फॉल्ट आ रहा है इसमें। ठीक है, जब ये फॉल्ट आ रहा है तो हमारा एम्पलीफायर क्या है, आवाज़ नहीं देगा, चलेगा आवाज़ नहीं देगा। अगर ये फॉल्ट की लाइट आके चली जाती है तो भाई आवाज़ एकदम कट कर देगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अगला वीडियो इसका आएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलता हूँ अगली वीडियो में।